अभी हम कोई पौधा लेके आते हैं मार्केट से, हमारा पौधा मर जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जाने अनजाने आप वो नहीं चाहते, लेकिन वो आप मर जाते हैं। प्लांट लाने के बाद हम इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं कि हम उसमें केयर को ज़्यादा करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इस प्लांट को ग्रो करने के लिए ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। जितने भी प्लांट होते हैं वो एक तरह से अपने आप में ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जस्ट लाइक उसके अंदर भी एक इम्यूनिटी होती है जैसे हमारे अंदर होती है। सबसे पहली बात जो आप ध्यान रखें, जब भी आप प्लांट लेके आएँ तो उसकी ज़्यादा केयर ना करें। यानी केयर का मतलब इन द सेंस ये नहीं है कि उसमें आप पानी हमेशा दें, क्योंकि एक पौधे की अपनी खुद की खुराक होती है। कोशिश करें आप उतना ही पानी जितने प्लांट की ज़रूरत हो। ये पता कैसे चलेगा, इसके लिए आपको मैं लास्ट में प्रो टिप दूंगा। इसके लिए रहिए इस वीडियो में। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है अपने पौधे को लाने के बाद, कि आप उसमें उतना ही पानी डालें जितनी उसे ज़रूरत है। वो जानेंगे कैसे, जब भी आप पानी डालें देखें कि आपकी जो सॉइल है वो सूखी हुई है कि नहीं। अपर जो सॉइल है, जो उसकी ऊपरी सतह है, वो सूखी होनी चाहिए, तभी आप उतना ही पानी डालें। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपके जो पॉट है उसमें होल होने चाहिए, होल। और अगर उसमें होल ना हो तो आप उसमें होल कीजिए। होल करने का रीज़न यही है कि उसमें पानी जमा नहीं हो, क्योंकि पानी अगर जमा होने लगेगा तो उसमें ओवर वाटरिंग की समस्या होने लगेगी। और ओवर वाटरिंग का रीज़न ये है, आपका पौधा ओवर वाटरिंग की वजह से इसलिए मर जाता है क्योंकि ओवर वाटरिंग में न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। जब भी आप पानी डालेंगे, जितनी बार भी आप पानी डालेंगे, जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स डले होंगे एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग द पॉट, तो वो सारे के सारे उस पानी के साथ बह जाएंगे, और जिसके कारण आपका जो पौधा है वो डेफिशिएट हो जाएगा। न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से आपका पौधा मर जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि उसे पानी उतना ही डालें जितना उसे ज़रूरत है। तीसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है कि आपको हर 15-20 दिन में एक फंगीसाइड पौधे पे डाल देना चाहिए, जिससे आपका पौधे को किसी भी तरीके से इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड ना लगे। चौथी चीज़ जो आपको अपने पौधे में ध्यान रखनी है कि आपको ये जानना है कि आपका पौधा किस कैटेगरी में फॉल होता है। अगर वो इंडोर प्लांट है तो आपको वो उसे इंडोर में रखना है, और अगर आपका आउटडोर प्लांट है तो उसे आउटडोर में रखिए, क्योंकि इंडोर प्लांट इंडोर के लिए बना है। यानी कि उसे डायरेक्ट सनलाइट अगर दी जाएगी तो वो जल जाएगा, मर जाएगा। और आउटडोर प्लांट को आपको इंडोर में रखेंगे तो उस वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो गल जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो किस कैटेगरी का पौधा है। आज भी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप उस किसी भी पॉट को ज़्यादा दिन तक एक ही पॉट में ना रखिए, क्योंकि उसमें रीबॉन्ड की समस्या आने लगेगी। यानी कि उसकी जड़ें हैं वो प्लांट के पॉट के में सारी चारों तरफ से जमा हो जाएंगी, और जिसके कारण उसको पानी लेने में परेशानी होगी। लेकिन ये केस बहुत तभी होता है जब आपका पौधा ज़्यादा देर तक एक ही पॉट में हो जाता है। ये समस्या को दूर करने के लिए आपको बस पॉट को रीपॉट करना है। आप चाहें तो उस पॉट में ही आप री लगा सकते हैं, और चाहें तो उसे किसी बड़े पॉट में आप शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो किसी भी तरीके से मदद, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आगे शेयर कीजिए, ताकि आपके पता चले कि गार्डनिंग एक तरह से कला है जो कि धीरे धीरे आ जाएगी। और ये बहुत सिंपल मेथड है, सिंपल तरीका है, जिससे आपकी गार्डनिंग को बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अगर आप दिल्ली NCR से हैं तो आप हमारी वेबसाइट ग्रीन मित्र को चेक इन कर सकते हैं, जिससे आपको नए प्लांट्स देखने को मिलेंगे। हम लोग गार्डनिंग बहुत आसान है, और गार्डनिंग कोई भी कर सकता है, बस उसे सही तरीका पता हो कि किस तरीके से गार्डनिंग की जाती है। इस चैनल पे गार्डनिंग रिलेटेड हर वीडियो आएगी, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।